क्या आपको फायदा शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट में खुद से करने में है रेंटल गारंटी में देने पर है या लॉन्ग टर्म को देने में है अच्छा इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, और इसको आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले गाइस। सो इन द फर्स्ट वीडियो जो पार्ट वन था हमारा टेक्निकली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑटोमेटेड बिल्डिंग्स और ये जो स्मार्ट रेंटल बिल्डिंग्स हैं ये क्या हैं और बेसिकली सी सी सिक्स जो है उसके अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स ऑटोमेशंस मिलने वाली हैं वी जस्ट गेव यू एन आईडिया इन डिटेल्स जब हम बिल्डिंग को यू नो लेकर आएंगे आपके सामने तो यू विल बी सरप्राइज बिकॉज हम उसके अंदर सब कुछ इन शाला ऑटोमेट करने जा रहे हैं स्पेशली आपकी रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, अब ये डिस्कस कर जो क्वेश्चन असल में है कि जी के क्या आपको फायदा शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट में खुद से करने में है रेंटल गारंटी में देने पर है या लॉन्ग टर्म को देने में है अच्छा इट्स अ क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो और इसको आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले पहली बात ये है कि जी के गुलबर्ग के अंदर दो तरह की बिल्डिंग्स आपको इस वक्त मिल रही हैं एक है आपकी लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक है आपके होटल अपार्टमेंट्स जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये अपॉर्चुनिटी कहाँ पे एग्जेस्ट करती है लग्जरी अपार्टमेंट चूँकि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर होते हैं वहाँ के ऊपर पर नाइट बेसिस के ऊपर रेंट आउट करना इज अ बिट हार्डर बास बिल्डिंग्स अलाउ नहीं करती उनके अंदर बी सिस्टम्स नहीं होते उनके अंदर ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन नहीं होती और आ, कुछ हद हाँ तक पर नाइट एज अ होटल उसको ऑपरेट करना भी पॉसिबल नहीं होता उसमें आपके रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे आपको उसके अंदर इस तरह की और एमालिटीज नहीं मिलती जो एक प्रॉपर होटल बिल्डिंग में या एक सर्विस बिल्डिंग में होनी चाहिए उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये होटल अपार्टमेंट हाईली सर्विस अपार्टमेंट्स अच्छा ये अब दो तीन इसमें किस्में हैं इसमें एक बेताशा होटल रूम्स बन रहे हैं लेकिन देर आर वेरी फ्यू प्रॉपर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बल्कि शायद दो एक या दो हैं जो बेसिकली प्रॉपर अपार्टमेंट्स हैं और कमर्शल एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं नाउ ंग मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं तो अगर आप एक लग्जरी अपार्टमेंट लेते हैं तो गुलबर्ग के अंदर एज ऑफ टूडे जो मैक्सिमम रेंट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वन बेड इज और शुड नॉट बी मोर देन वन टू वन पॉइंट फाइव लैक्स ये इस वक्त है तीन साल के बाद आप इसको जो है आफ्टर थ्री ईयर्स अगर हम लगाएं कि जो बिल्डिंग्स अगर बन रही हैं और जब वो आती हैं तो शायद ये रेंट जो है ये डेढ़ लाख से प्लस में इजीली हो जाए सो so ये लग्जरी अपार्टमेंट्स का एक मैक्सिमम पोटेंशियल है मैंने आपको एक टाइम दिया उसके बाद आप आ जाते हैं ऑन द होटल रूम्स होटल रूम्स के अंदर आपको कि बेसिकली टू होटल रूम्स ये बिल्डिंग्स जो है ये डिजाइन की जाती हैं एज अ होटल सो उनके अंदर बहुत ज्यादा सर्विसेज चीज़ें अवेलेबल है उसके अलावा अलावाटीज अवेलेबल होती हैं होटल रूम का अगर आप नॉर्मली देखें गुलबर्ग के अंदर तो एक अच्छा जो होटल रूम है थ्री स्टार फोर फो स्टार फाइव स्टार जिस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं जिस तरह इंडिगो हाइट्स है वहाँ पे तकरीबन आपका जो रेंट है वो दस हजार रुपए से लेकर फोटीन थाउजेंड रुपीज़ एक नॉर्मल कमरे का स्टैंडर्ड रूम का चल रहा है दैट मीन्स कि अगर आप इसको दस से चौदह हजार रुपया है दैट मीनस कि अगर थर्टी डेज का आप रेंट आउट करते हैं तो ये तकरीबन चार लाख बीस हजार रुपया रेंट बनता है सो so यहां पे वो डिफरेंस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है देखें आप इसमें लाख रुपया कमाते हैं डेढ़ लाख रुपया कमाते हैं या दो लाख रुपया कमाते हैं दैट इज स्टिल क्वेश्चनेबल आप चार लाख बीस हजार नहीं कमाते हैं लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि आप इसमें चार लाख रुपया भी कमा सकते हैं पर मंथ राइट फ्रॉम द गेट को ठीक है अच्छा उसके बाद तीसरी कमोडिटी जो है वो आपके होटल अपार्टमेंट्स हैं होटल अपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे जो अच्छे अपार्टमेंट्स हैं लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उनके रेंट्स कमरों से ज्यादा होते हैं और उसमें आप जाते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन आप ये समझें कि बीस हजार से ठीक है इस वक्त बाईस हजार रुपये में अच्छा एक जो अपार्टमेंट है वो आपको मिल रहा है अगेन बाईस हजार से हम लगाते हैं थर्टी डेज सो दैट मीन्स के छ लाख साठ हजार रुपया रेंट फ्रॉम वन बेड अपार्टमेंट आप कमा सकते हैं नाउ अब आपको और नज़र और ऑड्स नजर आ जाएंगे क्योंकि अभी मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि जी के होटल रूम कि क्या एक प्राइस है पैंतीस हजार रुपया लेके चालीस हजार रुपया फीट पे गुलबर्ग में मिल रहा है दैट मीन्स कि अगर हम कहें तीन सौ स्कोयर फिट का अपार्टमेंट है होटल रूम है सो द कॉस्ट ऑफ दिस थ्री हंड्रेड स्क्ट अपार्टमेंट होटल रूम इज गोइंग टू बी मिनिमम जो है एक करोड़ रुपया और ऊपर जाते हैं तो हाँ एक करोड़ बीस एक करोड़ से एक करोड़ बीस लाख ठीक है जी और इसके ऊपर टेक्निकली आपको क्या ऑफर किया जा रहा है इसके ऊपर जितने भी रेंटल गारंटी मॉडल हैं उसके ऊपर आपको कहा जा रहा है कि आपको टेन परसेंट रेंट मिलेगा दैट मीन्स के मैक्सिमम यू आर गोइंग टू गेट

मैनेजमेंट के जो भी उसको गारंटी जिसने दी हुई है वो एक लाख रुपया जो है वो अपने पास रख रहा होगा और एक लाख रुपया वो आपको दे रहा होगा बट ऑब्वियसली रिस्क उसका है सो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो इसको एवेल्युट इसी तरह से कर रहा है कि वो रिस्क अपने सर पर लेकर उसका मैक्सिमम पोटेंशियल उसका फायदा उठा रहा है लेकिन बात यह है कि यहाँ पर मैं जितना समझता हूँ कोई भी कारोबारी आदमी जो है वो कभी किसी को पैसा कमा के नहीं देता तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि वो कम्पलीटली उनको हंड्रेड परसेंट सिक्योरिटी है कि वो एक मिनिमम अमाउंट जो है वो बिल्कुल जनरेट कर लेंगे और उनमें वो कर क्या रहे हैं कि वो एडिशनली आपसे एक चीज़ आपको ग्रेंटल गारंटी देकर आपसे एडिशनली उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज करें सो so, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैंतीस हजार रुपये में और चालीस हजार रुपये में मॉडल ऑफर हो रहा है यहाँ पर ये यह जो रेट होना चाहिए वो तकरीबन तकरीबन सताईस अट्ठाईस हजार तीस हज़ार इसके आसपास कहीं पर होना चाहिए लेकिन चूंकि आपको 10 साल की गारंटी नज़र आती है आपको जो है वो बायक्स नज़र आती हैं आपको ये नज़र आती हैं जो इज जस्ट एन एल्यूजन बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं बिकॉज दैट गाय अंडरस्टैंड कि जनाब यहाँ पर पोटेंशियल्स क्या हैं और यहाँ पर ये चीज़ें तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट सिक्योर है मुझे ये किसी को गारंटी देना लेकिन चूंकि आपको पता नहीं होता तो आपको चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं सिमिलरली जो होटल अपार्टमेंट्स वाले मॉडल में जब जाते हैं तो होटल अपार्टमेंट्स के अंदर भी रेट्स जो प्राइस हैं वो तकरीबन इसी तरह से वेरी कर रही हैं इन वेरियस एरियाज अमलाक के पास हमारा जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर चूंकि हम दोनों मॉडल्स दे रहे हैं रेंटल गारंटी वाले के अलावा उसको देने का रीज़न ही यह था ताकि हम आपको ये क्लियरेंस क्लियर clear दे सकें कि भी रेंटल गारंटी में लेंगे तो आप ज़्यादा पैसे देंगे आप प्रीमियम देंगे बिकॉज यू आर पुटिंग एवरी रिस्क ऑन अस और आप उसको बिल्कुल अवेल नहीं करना चाह रहे किसी भी तरह के रिस्क में नहीं जाना चाह रहे लेकिन आप नॉन रेंटल गारंटी मॉडल में जाते हैं उसके अगेंस्ट हमने आपको पहली दफा एक ऑप्शन दिया है कि आप उसमें एस यानी हमारी मैनेजमेंट ले सकते हैं और उसमें टेक्निकली जो पोटेंशियल है वो आपका ये है कि आपका वन बेड का अपार्टमेंट जो है वो छ लाख से साढ़े छ लाख रुपया रेंट बना सकता है अब ये नीडलेस सी बात है कि जनाब बिल्कुल आप ये बात कहेंगे थर्टी नाइट्स तो उसे रेंट पे नहीं रहना मैं भी आपकी बात को मानता हूं और मैं एग्री करता हूँ बट लेट्स अकाउंट फॉर ऑन दिस अपार्टमेंट इन सिक्स गुलबर्ग क्योंकि ये अलहदा डिस्कशन है आपने होटल रूम लेना है आपने अपार्टमेंट लेना है वो एक अलहदा डिस्कशन है उसकी वीडियो हमारी लहदा मौजूद है उसको इनशाला आप कंसल्ट कर लें सो so, इसके अंदर अगर हम बात करें कि जी के लैर से कि हम बात करते हैं टेन डेज की ऑक्युपेंसी की सो हम टेन डेज़ की ऑक्युपेंसी की बात करते हैं बाईस हजार के साथ टेन तो इसका मतलब ये है कि जी के यू आर मेकिंग दो लाख बीस हजार ठीक है जी अच्छा जी अगर आप ट्वेंटी डेज पे जाते हैं सो यू आर मेकिंग चार लाख बीस हजार एंड अगर आप थर्टी डेज पे जाते हैं ऑक्युपेंसी यू आर मेकिंग ये चार लाख चालीस हज़ार सॉरी और ये छः लाख साठ हज़ार सो दिस इज़ लाइक थर्टी थ्री परसेंट ऑक्युपेंसी दिस इज़ लाइक सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑक्युपेंसी एंड दिस इज़ लाइक हंड्रेड परसेंट ऑक्युपेंसी सो नाओ इफ यू कंसिडर यू नो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जनाब क्या आपकी बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे नेचुरल नॉर्मल ऑकुपेंसी क्या चल रही है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग गुलबर्ग के अंदर नॉर्मल एवरेज ऑक्योपेंसी 50 टू 60% परसेंट चल रही है 50 टू 60% परसेंट इज ऑक्युपेंसी जो है वो है सो इन माई ओपिनियन टेक्निकली आप ये वाला फिगर जो है यू विल मेकिंग समवेयर नियर दिस फिगर सो so, आपका रेंट बन रहा होगा चार लाख चालीस हजार के करीब फ्रॉम अ वन बेड अपार्टमेंट दैट इज अमेजिंग अच्छा अब ये जो वन बेड अपार्टमेंट इसकी कॉस्ट क्या है हम लेट्स सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो अपार्टमेंट है उसकी मिनिमम कॉस्ट तेईस हजार रुपया है और ये फाइव फिफ्टी सिक्स स्क्वेर फीट का अपार्टमेंट है तो इसकी प्राइस जो आज आपको देनी पड़ी है वो एक करोड़ सत्ताईस लाख है अब इसके मुकाबले में आप ये फिगर्स को चेक करें ओके यू नो आप कहेंगे कि जी इसमें एक्सपेंसेस हैं चीज़ें हैं एंड आई 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 एम गोइंग टू कंसीडर दैट सो इसमें आपने 60 परसेंट थर्टी परसेंट बेशक शायद हमें मैनेजमेंट के लिए देना है तो आपका जो है वो माइनस वन हो जाता है ठीक है जी प्लस आपके यूटिलिटी बिल्स लगा लें चीज़ें लगा लें तीस चालीस हज़ार रुपया वो लगा लें सो so, मैं इसको कहूँगा कि चार लाख चालीस हज़ार माइनस थर्टी टू माइनस फोर्टी थाउजेंड ये सारा कुछ अगर मैं निकाल भी दूं तो ये रफली आपके पास जो है दो लाख साठ हजार रुपया बनता है ढाई लाख रुपया लगा लें सवा दो लाख रुपया लगा लें दो लाख रुपया लगा लें सो so, अगर दो लाख रुपया नेट आपको आ रहा है ऑन एन इन्वेस्टमेंट जो आपकी है एक करोड़ सत्ताईस लाख रुपये की दिस इज ह्यूज रेंटल रिटर्न दिस इज ऑलमोस्ट लाइक

तो एक करोड़ सताईस लाख का अपार्टमेंट तो वैसे भी लाख सवा लाख पे चढ़ जाएगा तो दस परसेंट तो आपको लॉन्ग टर्म पे रेंट आउट करके मिलता है शॉर्ट टर्म के ऊपर जाके ऑलमोस्ट कमाने की जो है जो है है वो इनकम इंक्रीजेस पावर ऑफ शॉर्ट टर्म ओपिनियन इट समथिंग विच इज सो सेफ द डेवलपर कि वो उसको फील ही नहीं होता कि और वो समझता है और क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है एंड यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर कि आपके अपार्टमेंट की क्या स्ट्रेंथ है और आपकी जो रेंटल मॉडल है इसकी क्या स्ट्रेंथ है और गुलबर्ग के अंदर रेंट्स क्या हैं सो यू वॉन्ट टू रिलाई ऑन समन एल्स और उसकी वजह से वो बंदा जो है वो आपसे फायदा उठाए तो माई थिंग इज के गुलबर्ग के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं आप रेंटल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो गो फॉर समथिंग विच इज राइट विच न मैनेज इट योर सेल्फ बिकॉज उसमें आपकी आर ओ आई ज्यादा बेहतर है क्योंकि जब आप रेंटल गारंटी पे ले रहे हैं तो आप दो नुकसान कर रहे हैं क्या नुकसान कर रहे हैं लास्टली मैं आपको बता रेंटल गारंटी के लॉसिस क्या हैं एक दफा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं लॉ नंबर वन आप हायर प्राइस पे कर रहे हैं डे वन और नंबर टू आप जो है वो लोअर रेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट इज यू नो दैट इज मेक सेंस टू मी इन इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम ये पीपल आर डूइंग इट हमारे पास भी ऐसे आ, जो प्रोजेक्ट्स हम वो आते हैं बहरल ये प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और ऑब्वियसली यू नो इफ यू वॉन्ट टू बी हैव जीरो रिस्क और किसी किस्म की आप कोई चीज़ नहीं लेना चाहते तो शायद पोटेंशली आपके लिए ये प्रोजेक्ट्स ठीक भी होंगे बट एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट माई जॉब इज टू टेल यू कि यू आर रिस्क फ्री एंड वेर यू एम मेकिंग मोस्ट मनी एंड द मोस्ट मनी यू आर मेकिंग एज कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को अपने अपार्टमेंट के खुद से रेंटल मैनेज करें यूल मेकिंग द मोस्ट मनी आउट ऑफ इट सो गैज दैट इज़ ऑल इनशाला तक ऊपर वी विल हैव फर्दर डिबेट एंड डिस्कशन और uh, आपसे शेयर करते रहें वक्ता फ़वक्ता और भी जो हमारे पास इसके बारे में आपके क्वेश्चन हैं वो अगर आप हमें पोस्ट करें तो विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट एज़ वेल थैंक यू वेरी मच एंड